से इंटरमीडिएट किया और कानपुर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। आप सबको ये ध्यान देना चाहिए कि यूपी सीट में सबसे टॉप का यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ है, गोरखपुर है, उसके बाद कानपुर है। तो ये क्रेडिट की बात है कि हमारे बीच का हमारा ये स्टूडेंट जो है कानपुर यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन उसने प्राप्त किया है। आस पास आप तलाश लीजिए, एटीएस के अलावा आस पास तलाश लीजिए, जो बच्चे इलाहाबाद लखनऊ में पढ़ते होंगे, राज्य लोगों के बच्चे होंगे सौभाग्य से, वो सब सेलेक्ट होते होंगे, लेकिन एवियन का कोई बच्चा यहाँ तक जा रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमारी सबकी मेहनत इसी है। और जो कार्यक्रम हमने देखे उसमें 99% कार्यक्रम लड़कियों के द्वारा किए गए। पता नहीं क्या बात है कि हमारे देश में लॉन टेनिस की बात करो तो सानिया मिर्जा का नाम आ जाएगा, बैडमिंटन की बात करो तो उसमें भी नेहा का नाम आ जाएगा। आप कोई भी खेल लीजिए, एथलेट ले लीजिए, कुश्ती ले लीजिए, फुगर का नाम आ जाएगा। अधिकतर लड़कियां हमारे देश की जो है बहुत आगे चल रही हैं। सौभाग्य से मैं भी 3 पुत्रियों का पिता हूँ, मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है। ये आप सब बड़े मन और यहाँ पे देख रहा हूँ क्रिएटिविटी में, आईटीविटी में लड़कियाँ बहुत आगे आती हैं, जबकि उनको उतना सहयोग संबल न परिवार से न समाज से मिलता। तो ऐसे में आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई में कोई संकट हो, कोई बाधा हो, कोई परेशानी हो, तो उसको जरूर अपने प्रधानाचार्य के माध्यम से हम लोगों तक आप अवगत कराइए, उसको दूर करने का प्रयास करें। आप एक रूरल एरिया का विद्यालय है, यहाँ पे अध्यापक होने भी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आपको अध्यापकों की कमी महसूस नहीं होती होगी। उसके लिए यहाँ के स्टाफ के लोग, यहाँ का प्रधानाचार्य सतत लगे रहते हैं, ये विद्यालय अध्यापकों की व्यवस्था करते हैं और जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं आती हैं, हालांकि जितना मेहनत वो करते हैं उतना हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो कुछ भी कर्ज देते हैं उससे ज्यादा वो आपको देते हैं। ये मैंने महसूस किया। मैंने 6 और 7 की मैथ्स की कापी देखी यहाँ पर, पिछली बार आया था मैं, और उसको देख करके हमने लगा कि शायद प्रतापगढ़ के अच्छे से अच्छे कॉलेज के बच्चों का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं। तो आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। 2 बातों के लिए आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। अक्सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब लोग यहाँ प्रस्तुत करते थे, लेकिन इस बार नहीं की जा सकती है। 2 बातों के लिए आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों को आज की नई टेक्नोलॉजी से हम मरहूम नहीं होने देंगे। पूरे जिले में एक मात्र विद्यालय है जहाँ प्रयोगशाला भी होती है, जहाँ माइक्रोस्कोप भी देख सकते हो, स्लाइड भी देख सकते हो, टेस्ट ट्यूब देख सकते हो, आप देख सकते हो, नहीं तो बच्चे किसी पहुंच जाते हैं उसकी शक्ल नहीं देखे हैं, हालात यहाँ तक है। तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि अगले साल 2 काम करने का जिससे प्रबंधकारिणी ने लिया है, एक तो इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं आप शुरू करेंगे, लेकिन ये आश्वस्त कर देते हैं कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनकी उपेक्षा भी नहीं होने पाएगी, उनकी भी इंग्लिश की ऐसी परवरिश की जाएगी और ढंग से उनको शिक्षण कराया जाएगा कि वो भी आगे इंग्लिश मीडियम की कक्षाओं में एडमिशन लेना चाहे तो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो प्रयास हमारा ये होगा कि इंग्लिश मीडियम से जसवाड़ा में खोला जाए इस एवियन कॉलेज में, और दूसरा प्रयास ये है कि आपके बीच में कम से कम 1 क्लास तो स्मार्ट हो जाना चाहिए, 1 क्लास तो स्मार्ट हो जाना चाहिए और उस पर डिजिटल बोर्ड आपका हो। आप भी नई टेक्नोलॉजी को देखें, अगर कहीं देखने को मिले तो अचंभित न रह जाए, सकपका न जाए, वहाँ भी आप अपने को इस लायक पाए कि ये हमने भी देखा है, हमने भी इस पर पढ़ा है, ये आपको महसूस हो, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है अभी तक तो इतने प्रयास हुए हैं सब सफल हुए हैं, लेकिन अगले साल हम इस पर प्रयास कर रहे हैं ये 2 काम आपके बीच में हो जाए। और ये केवल इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। शिक्षा बिक रही है, शिक्षा बेची जा रही है और पैसे वालों को भी शिक्षा मिल रही है,
ये जो व्यवस्था चल रही है उसमें यही हो रहा है। तो ऐसे में जो आपकी एरिया है यहाँ पे कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी शिक्षा आपको मिले, इसके लिए सरकार जी आएंगे। मैडम अटेवा की है, पुरानी पेंशन के लिए बहुत लड़ाई लड़ रही है, फिर नहीं दे रहा, मिलेगी नोट नहीं मिलेगी। और दूसरी बात इसमें एडमिट मिलेंगे 4 साल, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिलेगी, आपकी नौकरी न्यू पेंशन स्कीम लाइफ में नहीं रहेगी। एक बार और बता दो, ये क्या मैं कह दे रहा हूँ, पूरे अधिकार के साथ कह दे रहा हूँ इस बात को। अब कोई मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, न कोई पोलिटिकल आदमी, लेकिन जो नीतियाँ सरकार की चल रही, अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट की नीतियाँ एक चल रही है, युवा इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आप लोग सचेत होइए, अपने अधिकारों के लिए भी सचेत होइए और उसके प्रति भी सजग रहिए कि क्या हो रहा है, नई शिक्षा नीति क्या है, ये क्या चीज चल रही है, कैसा सिस्टम चल रहा है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। अपने महापुरुषों की छोटी छोटी किताबें पढ़िए, आपके लाइब्रेरी में नहीं होगी लेकिन हम उसको सुलभ कराने का प्रयास करेंगे, उसको आप पढ़ें जानें समझें। पूरे हिंदुस्तान में सबसे काबिल राजनेता 20वीं शताब्दी का कोई हुआ है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं होगा, तो डॉक्टर अम्बेडकर 3 PhD कैलिफोर्निया से पीएचडी, वहाँ पे स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया, जर्मनी से किया 3 PhD, उसके बाद LL.M किया। इतना पढ़ा लिखा आदमी पिछली शताब्दी में आज तक कोई राजनेता नहीं था, और वो भी कौन जिसको डायरेक्टर बैठाते थे पानी छूने नहीं देते, ऐसे व्यक्ति उनके जीवन में आए हैं। जो आप किताबें पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि अगर चपरासी उचित नहीं है तो कोई छात्र या अध्यापक वो बर्तन से जो कुएं में से पानी निकाल करके पिलाता है उसको वो छू नहीं सकता था, दिन भर इतना पानी पिए रह जाता था। ऐसी कठिनाइयों से निकला हुआ इंसान इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, लेकिन शायद हम किसी कारण से हम उनका नाम लेना उसको नहीं समझते, लेकिन हमको ये सब समझना पड़ेगा। आपको सही राजनेताओं के बारे में जानना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। आप लोग इंटरमीडिएट के छात्र, आप जानो गणतंत्र क्या है, आप जानो कि स्वाधीनता दिवस क्या है, ये सब समझिए और कर्तव्य नहीं अपने अधिकार के प्रति आप लोग ज्यादा जागरूक करिए। विद्यालय में भी आइए तो आपका जो अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए, कर्तव्य तो हम सब भाषण दे दीजिए कि आपको पोशाक में आना चाहिए, आपको समय से आना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको होमवर्क करना चाहिए, आपको किस समय से जमा कर देनी चाहिए, ये सारे कर्तव्य तो आपके बिना रहिए। लेकिन जहाँ आपके अधिकार की बात आएगी आप कहेंगे कि हमारे टीचर क्यों नहीं है, बेरोजगार टहल रहे हैं, इंग्लिश का टीचर नहीं है, 2 साल नहीं मिलेगा, 3 साल नहीं मिलेगा, ये प्रश्न करना शुरू करें। डेमोक्रेसी में यही एक लाभ है कि आपको प्रश्न करने का मौका मिलता है कि आप ये समाधान करिए अपने जनप्रतिनिधियों से करिए। क्यों लगता है 3 साल भाई अभियाचना भेजने के बाद 3 साल अभियाचना के लिए 2 साल लड़ाई लगती है, अभी रिटायर होता आदमी अभियाचना अभी खुली नहीं है, अभियाचना खुलेगी 2 साल बाद, बच्चे क्या करेंगे, जो निर्बल वर्ग के हैं, वंचित बच्चे हैं, जो गांव के हैं, देहात के हैं, उन बच्चों से मेरी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए, मरना पड़े तो लड़िए, ये मेरा आपसे कहना है। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही है कि अगले साल हम प्रयास करेंगे कि एक स्मार्ट क्लास आपको मिले, जिसका गोल मिले उसको देखें आप लोग समझें उसे, और जो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा यहाँ की प्रारंभ हो सके इसके लिए प्रयास रखें। शब्दों के साथ बच्चों आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शानदार कार्यक्रम के लिए आप लोग इस तरह के काम करते हैं। धन्यवाद।